कम नंबर हार जीत लगा रहता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, यही चीज है असफल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार। अगर दिल में जुनून और जज्बा हो तो किसी भी काम को करना आसान हो जाता है, और मैट्रिक की परीक्षा में छात्र छात्राओं ने इसी कारनामे को कर दिखाया है और 80% से ज़्यादा नंबर लाकर पूरे जिले में अपने और अपने परिवार का, साथ ही साथ प्रखंड क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विदित हो कि टॉपर्स एकेडमी के द्वारा प्रत्येक साल छात्र छात्राएं 80% से ज़्यादा नंबर प्राप्त करते हैं और जिले में सबसे ज़्यादा टॉपर देने वाला संस्थान टॉपर्स एकेडमी भी शामिल है। बता दें कि इस मौके पर टॉपर्स एकेडमी के छात्र छात्राओं को शिक्षकों के द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें संस्था के संचालक भाई बहन सूरज कुमार, सुमित कुमार व उनकी बहन के द्वारा संयुक्त रूप से सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बता दें कि तीनों शिक्षक गण भी एक टॉप पर रह चुके हैं और सभी छात्र छात्राओं का ससमय सम्मान करते रहते हैं। वहीं इस मौके पर काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जिनको कई महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया गया। मौजूद छात्र छात्राओं ने बताया कि मेहनत के बल पर ही अच्छी सफलता प्राप्त की जा सकी है। वहीं कई बच्चों का विज्ञान विषय, वहीं कई बच्चों को आर्ट्स विषय के साथ पढ़ाई कर डॉक्टर इंजीनियर बनना है। आप लोग भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन पहले कर चुके हैं, आपका पूरा परिवार और काफ़ी बढ़िया कार्यकर्ता। जी देखिए, हमारा संस्थान प्रत्येक वर्ष जो यहाँ संस्थान से बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, हम लोग उनको सम्मानित करके उनके हौसले को और ऊंचाई देने का काम करते हैं। और यह सम्मान समारोह जो इस साल जो मैट्रिक में जो अच्छे अंक लाए हैं बच्चे, 400+ नंबर है, उन सभी को हम लोग सम्मानित करके और इनके हौसले को हम लोग ऊंचा करना चाहते हैं, ताकि जब बच्चे यहां से जब निकल गए, पास आउट हो गए, तो जब आगे जिस संस्थान में भी पढ़ें या जिस भी वो जो उनके सपने हो वो उनको आसानी से पूरा कर सकें। क्या है संस्थान का एड्रेस? जो जी मेरा अभी वर्तमान में मेरा टॉपर कोचिंग सेंटर नाम से दो संस्थान चलता है, एक गयादास मोड़ से ठीक थोड़ा सा दक्षिण चलता है और दूसरा हुसैनगंज MS हाई स्कूल के ठीक थोड़ा सा दक्षिण में चलता है। जी मेरा नाम सुमित कुमार हुआ और ये संस्थान जो है, यहाँ हम लोग तीन शिक्षक मिलकर पढ़ाते हैं, जो हम तीनों आपस में भाई बहन ही है, सुमित कुमार, सूरज कुमार और संजना कुमार। मैथ साइंस हमारे टीचर सुमित भैया, संजना दीदी, सूरज भैया जो बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। किस संस्थान में आप पढ़ती थी? आपके इंस्टीट्यूट जो कोचिंग है उसका नाम क्या है? हमारे कोचिंग का नाम टॉपर कोचिंग सेंटर है। आपका नाम? मेरा नाम खुशी कुमारी है। कितना नंबर है? 396। काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, आगे चलकर आपको क्या बनने का सपना है और किस तरह से आपने किया? मैं जेंटलमैन बनना चाहती हूँ और मैं जो भी काम करूँगी अच्छी काम करूँगी। क्या लगता है कि आप जो अन्य लड़कियाँ हैं जो पढ़ नहीं पाती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एक अच्छे ही अच्छे कोचिंग में जाएं और टीचर से मिले और उनसे पढ़ने का प्रयास करें। कोचिंग सेंटर के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये वो संस्था है जहाँ मतलब कमजोर बच्चों को भी तेज बनाया जाता है, यहाँ पे आना यानी थर्ड डिवीजन है। सारे कोचिंग में पढ़ाई होती है लगभग, लेकिन क्या ऐसी खास है जिसकी वजह से आप बोली है? यहाँ पे जो टीचर है वो समझाने का तरीका बताएं। हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, नोट्स है जो बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। कितना नंबर है आपका? 400। नाम बताइए। कितने नंबर आए हैं और कितने घंटे पढ़ाई की? मेरा तो 424 नंबर आया है और मैंने घर पे 3 से 4 घंटे कोचिंग के बाद पढ़ाई किया है। सर क्या सेल्फ स्टडी भी मायने रखता है? जी, बिना सेल्फ स्टडी के कुछ होगा नहीं, जब तक कोचिंग में जो पढ़ाई हुआ उसको घर पे जाकर रिवीजन करना ही पड़ेगा, इससे अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे। मेरा तो अभी एग्जाम के 1 मंथ पहले सोशल साइंस और उर्दू पे ज्यादा फोकस था। क्या सपना क्या है? अभी तो कुछ प्लान नहीं किया गया, लेकिन आगे साइंस स्ट्रीम से पढ़ना है। नाम बता। क्या नाम? नाम मेरा मोहम्मद राशिद अली और मैं सारा टोला से बिलोंग करता हूँ और टॉपर्स कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ, जिनके संचालक सुमित कुमार है, जो जिन्हें भैया दीदी कहते हैं। बच्चे को क्लास में बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चे जब मोटिवेट होते हैं तो सेल्फ स्टडी भी घर पे काफ़ी ज़्यादा करते हैं। हम लोग के पढ़ाने के बाद क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, काफ़ी शांतिपूर्वक, उसके बाद घर पे जा कर के भी काफ़ी ज़्यादा जो टॉपर बच्चे हैं वो बताए भी हैं, 7-8 घंटा मेहनत करते हैं, जिसके बदौलत इतना अच्छा उन लोग का प्रदर्शन रहा है।
क्या कहेंगे जो छात्र छात्राएं कम नंबर लाई हैं इस साल, उनके लिए क्या कहेंगे जो इंटर में ऐसा चल रहा है? कम नंबर हार जीत लगा रहता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, यही चीज है। असफल जो बच्चे हैं वो अपने कमी को सुधार करें और फिर आगे बढ़े। आज के वक्त में कोचिंग कितना जरूरी है बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए? जी, आज के वक्त में कोचिंग इसलिए बहुत काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में घट गया है। हालांकि बच्चों के पढ़ने का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है स्कूल में नीतीश कुमार के देन की वजह से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई का स्तर घट गया है शायद थोड़ा सा पेरेंट्स के ध्यान नहीं देने से, या फिर उस तरह के बच्चे को स्कूल में माहौल में नहीं ढाला जा रहा है। जिस तरह से प्राइवेट का आपने सरकारी के बात कहा, जी जी, तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि वाले कम भेजते क्योंकि पैसा ही नहीं होता है। जी जी बिल्कुल जी, ऐसा तो क्या प्राइवेट में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं, प्राइवेट में पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है, सरकारी से थोड़ा बेहतरीन पढ़ाई होती है, लेकिन प्राइवेट जो स्कूल होते हैं, मतलब जिस स्तर में हमारा कोचिंग है, जिस क्षेत्र में हमारा कोचिंग है, इस माहौल से सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ना असंभव है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, तो इसलिए हम लोग कोचिंग में काफी कम फीस से बहुत ज्यादा मेहनत करके बच्चों को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करते हैं। नाम बताओ। जी संजना। बाबू क्या सपना है आपका, क्या बनना चाहते हैं? अभी सोचे तो नहीं है। कितना नंबर लाए आप? 400 नंबर लाए। इंटर में क्या प्लान है, जिला डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है? हाँ इंशाल्लाह। नाम बताओ। मोहम्मद हसन रजा। मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा है, मेरा घर खरसंडा हुसैनगंज में पड़ता है। देखा गया कि काफी आपको मेडल वगैरह और हाथ में सर्टिफिकेट भी मिला है, क्या वजह है? वजह है 400 नंबर पासिंग आउट लाने के लिए। 400 नंबर लाने की वजह से। इस कोचिंग के बारे में क्या कहिएगा? कोचिंग के बारे में बोलूंगा कि मतलब और कोचिंग से बेहतर है मेरे नजर में खरसंडा हुसैनगंज के प्रखंड में। किस तरह आपने पढ़ाई किया था, मोबाइल से या सर के द्वारा? सर के द्वारा और सेल्फ स्टडी करके। मोबाइल से नहीं पढ़ाई की है? नहीं, कभी कभी नहीं करते थे। क्वेश्चन जो अटकता था कभी कभी। कई बार ऐसा होता है कि अगल बगल में ताक झाक करके चीटिंग बाजी करके भी लोग नंबर ज्यादा ला लेता है। नहीं, अब बगल वाले का नंबर कम। चीटिंग तो नहीं किया हम। नहीं किए। कितना नंबर आया था? 401। क्या नाम है? सुशील कुमार सर। 414 नंबर है। मेरा नाम नंदलाल कुमार है। कितने घंटे आपने पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी में कितना समय दिया आपने कोचिंग? मैंने सेल्फ स्टडी में 5 से 6 घंटा और मेरे साथ दीदी भैया का भी सहयोग। किन किन शिक्षकों का सहयोग मिला आपने? मेरे संजना दी, सुमित भैया और सूरज। क्या सपना आपका? इंजीनियर हूँ।